बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का फ़ातिमा रेसिपी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ मटन के कीमे के कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही मज़े की होती है और बकरीद में आप लोग भी इसे बनाइएगा। तो मटन के कीमे का कबाब बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मैंने 1/2 kg मटन का कीमा लिया हुआ है और 10% इसमें मैंने फैट भी मिलवाया हुआ है और इसको मैंने बारीक कुटवा लिया था। अगर आपका बारीक कुटा हुआ ना हो तो आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली, जिसको बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया की पत्ती, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 नींबू का रस, 2 हरी मिर्च जिसको बारीक काट लिया है, ये भुना हुआ बेसन है, मैंने बेसन को भून लिया। यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक। तो कबाब बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ये मटन का कीमा लिया है और इसमें हम सभी स्पाइसेस डाल देंगे और अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देंगे। कटी हुई हरी मिर्च और साथ में ही हम इसमें धनिया की पत्ती भी ऐड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें कटी हुई प्याज भी ऐड कर देंगे और इसको हम फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करेंगे। मैंने अभी 3 टेबल स्पून डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि हमारा कबाब अच्छे से बाइंड हो जाए। अब मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ बेसन, ये देखिए, ये 4 टेबल स्पून, 5 टेबल स्पून, और अब हम इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें बचा हुआ बेसन भी ऐड कर दूंगी। टोटल हमारा 6-7 टेबल स्पून बेसन जाएगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए फ्रेंड, जब हम इस तरह से इसके कबाब बनाएं तो ये बिल्कुल एक दूसरे में बाइंड होने चाहिए, ये देखिए। और अब हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फ्रेंड, हमारा कीमा अच्छे से सेट हो गया है और अब हम एक प्लेट लेंगे और इसके हम छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से हम सारे बना कर रख लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कबाब बना कर रख लिए हैं और इनको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है और हम इसमें 3-4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं और साथ में हम इसमें कबाब भी रखते जाएंगे। ये देखिए, मैंने सारे कबाब इसमें डाल दिए हैं और अब हम इनको अच्छे से ब्राउन करेंगे एक साइड, फिर पलट देंगे और उसके बाद हम दूसरी साइड से भी इसे ब्राउन करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये एक साइड से ब्राउन हो रहा है
और अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसे ब्राउन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कबाब दोनों साइड से अच्छे ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मटन के कीमे के कबाब बनकर तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही मज़े के बने हैं। और साथ में मैंने हरी चटनी भी बनाई है। आप लोग भी कबाबों को बनाएं और कमेंट में बताएं कि ये कैसा बना। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का फ़ातिमा रेसिपीज़ में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ मटन गलावटी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसका टेस्ट बिल्कुल टुंडे कबाबी जैसा होता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बनाने में भी बहुत इजी होता है। तो चलिए हम बनाते हैं मटन गलावटी कबाब। मटन गलावटी कबाब बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आधा किलो मटन का कीमा लिया है और उसको मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल बारीक सा पिसा हुआ है, ये देखिए। और इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम मसालों को पीस लेते हैं। तो मसाला पीसने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सौंफ ली है, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 हरी इलायची, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, 1 जावित्री और 1 बड़ी इलायची। तो इन सभी को हम जार में डालकर एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। मैंने मसालों को जार में डाल दिया है और इसमें अब हम 1 टेबल स्पून खसखस डालेंगे और एक हम फाइन सा पाउडर तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने मसालों को अच्छे से पीस लिया है। हमें इस कबाब में बहुत ही कम पानी का यूज़ करना है, तो मसालों को मैंने सूखा ही पीसा है, आप देख सकते हैं। और मैंने वही जार फिर से लिया है और अब हम इसमें एक प्याज डालेंगे। जिस एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, तो ये प्याज मैंने इसमें डाल दी है। तीन से चार हरी मिर्च लेंगे, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। 10 से 12 काजू लिए हैं, जिनको मैंने फ्राई कर लिया था, इसे भी हम डाल देंगे। आप चाहें तो बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिरौंजी ली है, वो भी डाल देंगे इसमें। और इसमें हम बहुत ही थोड़ा सा पानी डालकर एक फाइन सा पेस्ट तैयार करेंगे। पानी हमें बहुत ही कम यूज़ करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया है और अब हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर कीमा ले लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें सबसे पहले 2 टेबल स्पून पपीता डालेंगे, जिसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। छिलका सहित आप पपीते को ग्राइंड करिए, तो मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद जो हमने मसाला पीसा था, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। साथ में ही हम इसमें काजू का जो पेस्ट हमने तैयार किया था, वो सब भी ऐड कर देंगे। और साथ में ही हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 10 से 12 केसर के धागे लेकर पानी में भिगोकर रख दिया था आधे घंटे पहले, इसको भी हम डाल देंगे। पानी मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया है। हमें इस कबाब में पानी का बहुत ही कम से कम यूज़ करना है, तो हम केसर का पानी और उसके धागे भी इसमें ऐड कर देंगे।
और साथ में मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून दूध के ऊपर जमी हुई मलाई ली है। आप चाहे तो यहाँ पे अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ में हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और ये मैंने 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए, हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और साथ में हम इसमें 1 टीस्पून के करीब केवरा वाटर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद फ्रेंड हम इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है करीब 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर एक फॉइल पेपर की कटोरी रखेंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो तो आप स्टील की कोई भी कटोरी यूज़ कर सकते हैं। और इस फॉइल पेपर की कटोरी के ऊपर हम इसमें जलता हुआ कोयला रखेंगे, जिसको मैंने पहले से ही गैस पर अच्छे से जला लिया था। और इस कोयले के ऊपर हम 1 से 2 बूंद देसी घी डालेंगे और इसको हम फौरन कवर कर देंगे करीब आधे घंटे के लिए। इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो जाता है। आधे घंटे बाद फ्रेंड्स हम इस कटोरी को हटा देंगे और इसे हम फिर से कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज में रख देंगे, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से गल जाए, क्योंकि हमने इसमें पपीता डाला है पीसकर, तो इससे ये काफ़ी अच्छा गलावटी कबाब हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर पैन में देसी घी को गर्म कर लिया है, तो हम इस तरह से कबाब बनाकर इसमें फ्राई करेंगे। आप चाहें तो घी की जगह कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरह से मैं कबाब बनाकर इसमें डाल दूंगी सारे और इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे कबाब एक साइड से काफ़ी अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारे मटन गलावटी कबाब दोनों तरफ से अच्छे फ्राई हो गए हैं, हम इनको निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मटन गलावटी कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, जिसका फ्लेवर बिल्कुल टुंडे कबाबी से मिलता है। और यहाँ पर मैंने हरी चटनी भी बनाई हुई है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। दुआ में ज़रूर याद रखिए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, आप सभी का फ़ातिमा रेसिपी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ मटन बोटी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। मटन बोटी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 किलो मटन लिया है, जिसका मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये मटन कीमा है, 1 टेबल स्पून सिरका है, 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पपीते को पीस कर डाल सकते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून नमक है। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करते हैं। हमने सबसे पहले रेड चिली फ्लेक्स, नमक डाल दिया और कचरी पाउडर डाल दिया और ये हमने सिरका डाल दिया। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम करीब 1/2 से 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। अगर आप इसे चाहें तो ओवरनाइट भी फ्रीज में रख सकते हैं।
मटन बोटी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून खसखस, 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून गरी ली है। आप चाहे तो गरी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इनका हम पेस्ट तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं। इसमें मैंने लिए हैं 4 से 5 काली मिर्च के दाने, ये मैंने 2 बड़ी इलायची के सिर्फ दाने लिए हैं, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 हरी इलायची, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून जावित्री, 1 टेबल स्पून धनिया और इनका हम एक सूखा पाउडर बनाएंगे, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने फ्राई कर लिया था और इसका भी हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसके हिसाब से प्याज को ले सकते हैं। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक और 1 हमने कोयला लिया है इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए, ये ऑप्शनल है। 1/2 कप दही ली है मैंने। तो सबसे पहले हम इन तीनों का पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने एक पैन लिया है, इसे गरम कर लिया है और अब हम इसमें सारे साबुत मसाले डाल देंगे और इन्हें हम 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से रोस्ट करेंगे। मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इनका हम एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। मटन बोटी कबाब बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 1/2 कप के करीब तेल डाला है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, वही कढ़ाई है। और तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें मटन की बोटियों को डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और इन्हें हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। 4 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, मटन का कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और साथ में ये रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, नमक भी डाल देंगे और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन्हें भी हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। 4 मिनट के बाद देखिए, अदरक और लहसुन हमारा अच्छे से पक चुका है, ये देखिए। और अब हम इसके ऊपर से मसाला डाल देंगे जिसको हमने रोस्ट करके पीसा था। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ये हमने पिसी हुई प्याज डाल दी। और साथ में ही हमने काजू, बादाम, खसखस, गरी इन सब का पेस्ट तैयार किया था, वो भी हम ऐड कर देंगे। और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम करीब 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर कवर करके अच्छे से पकाएंगे। 4 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, सभी मसाले, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, आप देख सकते हैं तरी ऊपर आ गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इस पे दही डाल देंगे, दही को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम दही को भी मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। 2 मिनट के बाद देखिए, दही अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने बेसन का घोल बना लिया है और इसे हम मटन बोटी कबाब में डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 2 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड, बेसन भी हमारा अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे और इसे हम कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक कि मटन हमारा अच्छे से गल नहीं जाता।
25 मिनट बाद देखिए फ्रेंड, हमारा मटन बोटी कबाब बनकर तैयार हो गया है। बीच बीच में मैंने इसको चलाया भी था, आप देख सकते हैं। मुझे इतना ही इसको ड्राई रखना है। आपको अगर और ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और अब हम इसके अंदर एक फॉइल पेपर की कटोरी रखेंगे। आप चाहें तो स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। और इसके अंदर हम एक जलता हुआ कोयला रखेंगे, जिसको मैंने पहले ही गैस पर अच्छे से गर्म कर लिया था, ये आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर हम 1 टीस्पून घी डाल देंगे और इसको हम फौरन कवर कर देंगे और इसे हम इसी तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड, हमारा मटन बोटी कबाब बनकर तैयार है। हम इसे हटा देंगे और हम अपने मटन बोटी कबाब को सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा मटन बोटी कबाब बनकर तैयार हो गया है, जो बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज बना है। इसे आप चपाती पराठे के साथ खाइए और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मटन सामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए हम बनाते हैं। कबाब बनाने के लिए हम इन मसालों को पीसेंगे। 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 जावित्री, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 हरी इलायची और 3 लौंग, इनको हम सूखा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने मसालों को पीस लिया है। अब एक कुकर में, यहाँ पे मैंने 1/2 किलो मटन का कीमा लिया है, मैंने इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, और इसे हम कुकर में डाल देंगे। कीमे को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद ग्राइंड किया था। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप चने की दाल को 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम ये पिसा हुआ मसाला इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन पीसने के बाद वो कहीं कहीं रह जाते हैं, इसलिए पीस के डालना ज़्यादा बेटर है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, जिसको हम रफली चॉप्ड करके डाल देंगे। और 1 तेज़पत्ता डालेंगे। और अब इसमें हम 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ में 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कीमा भी पानी छोड़ेगा। तो पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। उसके बाद हम इसे पकने के लिए रख देंगे। पहले तेज आंच पर 1 सीटी आने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा कीमा और दाल अच्छे से पक चुकी है। आप देख सकते हैं हम तेज़पत्ता को हटा देंगे। के बाद हम इसमें जो एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ है उसे हाई फ्लेम पर सुखा लेंगे। हाई फ्लेम पर पकाने के लिए जब हम रखेंगे तो इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इससे हमारा अदरक लहसुन भी पक जाएगा इसमें और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है बाद में डालने से। तो अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे, बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। पीसने के बाद देखिए बिल्कुल इस तरह से ये तैयार हो जाएगा, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। ये देखिए हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है कबाब का।
बोल में निकालने के बाद हम इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड हाथ पर हम तेल लगाएंगे। इसके बाद हम एक मीडियम साइज़ कितनी बॉल का लेंगे, आपको जैसा भी छोटा बड़ा कबाब बनाना हो तो ये देखिए, और इस तरह से हम इसकी टिकिया बना लेंगे। सारे कबाब बनाने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, बिल्कुल इस तरह से हम बनाएंगे। पैन में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया था और अब हम इसमें कबाब डाल देंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू स्लो पे रखेंगे। बहुत से लोग इसे अंडे में भी डिप करके फ्राई करते हैं। तीन मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा कबाब एक तरफ से अच्छा सा ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी ब्राउन कर लेंगे। इस तरह से हम सारे कबाब दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन करके अपने कबाब तैयार कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। ये लीजिए, हमारे मटन सामी कबाब बनकर तैयार हो गए, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। दुआ में ज़रूर याद रखिए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम।